हजारों अपेक्षाएं, अनगिनत चुनौतियां, अनसुनी आवाजें और आगे बढ़ते कदम। सुशासन सामाजिक बदलाव एवं आर्थिक प्रगति की नीतियों को गढ़ने में सरकार का पार्टनर। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश सरकार का एक स्वायत्त संस्थान वर्ष 2007 में स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप में स्थापित होकर हमने एक दशक से अधिक समय का सफल सफर तय किया है। हमारा संस्थान भोपाल के बड़े तालाब के किनारे स्थित परिसर में संचालित है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्कूल को 2014 में वर्तमान स्वशासी रूप दिया गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में नई सरकार के बनने के बाद हमने अपने लिए नया विजन और मिशन स्टेटमेंट तैयार किया है। अध्ययन अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए संस्थान द्वारा आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं माध्यमों से हितधारकों की क्षमता विकसित करने में हम बृहद रूप से सहयोगी हैं। हमारा परिसर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। कार्यों के सुचारू संचालन और बेहतर निर्देशन के लिए संस्था में कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल और गेस्ट हाउस जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी है हमारी उत्साही और गतिशील फैकल्टी, जो ज्ञान, कर्म एवं कौशल के नवीनतम क्षमताओं को हासिल करने में जुटी रहती है। संस्थान की मल्टी सेक्टोरल भूमिका हम अपने 6 सेंटर्स के माध्यम से निभाते हैं। सामाजिक सरोकारों के लिए उन्मुख सेंटर फॉर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, प्राकृतिक संपदाओं के संवहनीय दोहन और ग्रास रूट स्तर पर गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, आर्थिक विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेक्टर, ज्ञान प्रबंधन और ई गवर्नेंस के माध्यम से बेहतर परिणामों के लिए सेंटर फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों के अध्ययन के लिए स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर और शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस। इन सेंटर्स के माध्यम से हम विभिन्न शासकीय विभागों के लिए कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में व्यापक स्तर पर अनेक अध्ययनों पर कार्यरत हैं। विषय चाहे जो भी हो, हम अनुसंधान पद्धति की ठोस नियमों का पालन करते हैं। शायद इसी के फलस्वरूप विदेश मंत्रालय से हमें मॉरिशस में प्रस्तावित सिविल सेवा संस्थान के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का दायित्व प्राप्त हुआ। हाल ही में हमें भारत के आदिम जाति मामलों के मंत्रालय से भी प्रोजेक्ट मिला है। राज्य शासन के लिए हम नई नीतियों को गढ़ने में सहयोग देते हैं। हमने राज्य की पहली रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई। इसी तरह अब अर्बन हेरिटेज पॉलिसी और फार्म टेक्नोलॉजी के लिए विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। निकट भविष्य में हम शहरीकरण एवं भोपाल को विश्वव्यापी कल्चर 21 प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए सम्मेलन आयोजित करेंगे। बेहतर प्रशासन और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए हमने विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ MOU किए हैं। शासकीय अधिकारियों तथा कर्मियों के कौशल विकास के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। देश भर में हो रहे नवाचारों की बेहतर समझ के लिए असरदार परिवर्तन और टिकाऊ परिणाम नामक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। इसमें अपनी विधाओं में पारंगत विद्वान प्रतिमा आकर व्याख्यान देते हैं। संस्थान का उद्देश्य राज्य शासन तथा पब्लिक पॉलिसी से जुड़े अन्य सभी हितधारकों से जुड़कर लोक प्रबंधन को बेहतर बनाने में मददगार बनना है। हम आने वाले समय में हमारी कोशिशों को इसी पर केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न रुकेंगे, हम न थकेंगे। चाहे बदलें चेहरे, चाहे बदलें मंजिलें, सुशासन अडिग रहेगा।